नमस्कार दोस्तों, 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश के खिलाफ 16 सदस्यीय टीम का हुआ ऐलान और BCCI ने इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं भारत और बांग्लादेश के बीच BCCI ने एक और नई सीरीज का ऐलान किया है, जिसमें 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली है और इसके लिए BCCI ने किस खिलाड़ी को कप्तान बनाया है, कौन सा खिलाड़ी कप्तानी करने वाला है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। और आप सबको पता है कि भारतीय टीम इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है। सीरीज के बीच में ही BCCI ने एक और नई सीरीज का ऐलान किया है, जिसमें कई सारे सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर नए और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज खत्म होने के तुरंत बाद IPL स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप खेलना है। इसी को देखते हुए BCCI ने इस सीरीज के लिए सारे युवा और विस्फोटक खिलाड़ियों को मौका दिया है। वर्ल्ड कप से पहले सभी नए खिलाड़ियों को मौका मिल सके, जिससे वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम का एक नए और खतरनाक स्क्वाड तैयार किया जा सके। इसी को देखते हुए BCCI ने सभी नए चेहरों को मौका दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन भारतीय स्क्वाड बताने से पहले, अगर आप सब भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेता हूं। और आप सबको पता ही होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचों का सीरीज खेला जाना है, जिसका पहला T20 मैच 22 फरवरी को मोहाली के मैदान पर खेला जाना है। आप सब इस महामुकाबले को टीवी पर देखना चाहते हैं तो DD स्पोर्ट्स पर फ्री में इस रोमांचक मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। और आप सब फोन पर देखना चाहते हैं तो इस रोमांचक मुकाबले को जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता चल गया होगा कि यह महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए वीडियो की शुरुआत कर लेता हूं। और इस सीरीज के लिए ना ही रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है, ना ही हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, बल्कि सूर्य कुमार को इस सीरीज के लिए कप्तान बनाया है, क्योंकि सूर्य कुमार ODI में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और वह जैसे ही T20 मैच खेलने उतरते हैं तो एक अलग ही तरह की बल्लेबाजी करते हैं और चौके छक्कों की बारिश कर देते हैं, और वह वर्ल्ड कप के बाद लगातार भारतीय टीम के लिए कप्तानी करते हुए आ रहे हैं। और दोस्तों, उन्होंने लगातार 2 T20 सीरीज जीती है, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो दूसरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इसको देखते ही BCCI ने एक बार फिर से उन्हें ही कप्तान बनाया है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको फटाफट भारतीय स्क्वाड बता देता हूँ। SSP जायसवाल, जो एक बाएं हाथ के बल्लेबाज है, और ये मैदान पर उतरते ही चौके छक्कों की बारिश कर देते हैं, और इन्होंने अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में लगातार 2 दोहरे शतक भी जड़ चुके हैं। तो दूसरे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ है, तो तीसरे पे तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव कप्तान, ईशान किशन विकेटकीपर बल्लेबाज, जितेश शर्मा विकेटकीपर बल्लेबाज, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रियान पराग, सुमन गिल, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, दीपक चहर, उमरान मलिक, मुकेश कुमार और आवेश खान। तो दोस्तों, ये भारतीय स्क्वाड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।